नमस्कार दोस्तों, हम सबके पास एक प्रॉपर्टी तो है ही रहने के लिए, और हम सब ये सपना भी देखते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा हो जिससे कि हमारा रिटायरमेंट का प्रोविजन हो जाए। मान लो कि हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो हमको जिंदगी भर तक रेंट देती रहे, और जब हमारी मृत्यु हो जाए तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारे बच्चों को मिल जाए। तो अक्सर हम ऐसा सोच करके सेकेंड प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं होते। कई बार जो 20% 10% जो डाउन पेमेंट करना होता है उतनी पैसे भी नहीं होते। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि एक ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं कि जहां पर आपको कुछ पैसा देना ही नहीं है। मान लीजिए कि आप एक 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसमें आपने 2 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सर्विस टैक्स सब चार्जेस भरने के बाद में ये प्रॉपर्टी आपको 25 लाख रुपए में पड़ी है। 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं और सारा का सारा पैसा आपको बैंक ने दिया, तो आपको 15 साल का अगर ईएमआई रहा तो 25,500 रुपए का आपका ईएमआई आएगा। मान लीजिए 25,500 का ईएमआई आया और ये प्रॉपर्टी आपने कल से रेंट पे दे दी, तो आपको 5,000 रुपया महीना रेंट आएगा। बराबर है, 20 पैसे के हिसाब से 5,000 रुपया रेंट आएगा। 5,000 में से 1,000 रुपये आपके खर्चे हो गए, 1,000 रुपये मेंटेनेंस और ब्रोकरेज ये सब में खर्चे हो गए, तो आपके पास 4,000 रुपया बचा। मान लीजिए 21,500 रुपया अब आपको इस प्रॉपर्टी के लिए हर महीना ईएमआई देना होगा, है ना। अब इस प्रॉपर्टी की जगह पे मान लीजिए आपने एक दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल प्रॉपर्टी। वर्चुअल प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो अस्तित्व में नहीं है, जिसे आप देख नहीं पा रहे, वो वर्चुअल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए वर्चुअल प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं और ये अपन अज्यूम करते हैं कि वर्चुअल प्रॉपर्टी भी आपको उतना ही रेंट दे रही है जितना कि एक्चुअल प्रॉपर्टी दे रही है। तो वर्चुअल प्रॉपर्टी में जो 21,500 जो आप एक्चुअल प्रॉपर्टी में ईएमआई भर रहे हो, वो वर्चुअल प्रॉपर्टी में मान लीजिए आप 21,000 रुपया ईएमआई भरने को तैयार है, ठीक है। तो इस 21,000 रुपया अगर आप यहां भरोगे तो आपको 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आपने रेंट ऑलरेडी ले ले चुके हैं इसमें, तो ये प्रॉपर्टी हो गई उतने ही पैसे में आपकी 25 लाख रुपए की, ये प्रॉपर्टी आपकी उतने ही पैसे में 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। अब 15 साल के बाद में जब आपका यहां पर दोनों जगह पर ईएमआई खत्म हो जाएगा, तब आपको यहां पर रेंट कितना मिलेगा 15 साल के बाद में, आफ्टर 15 ईयर्स यहां पर आपको रेंट कितना मिलेगा आप सोच लीजिए, कितना पैसा मिलेगा। 23 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, उसका रेंट कितना मिलेगा आप डिसाइड कीजिए। जो भी रेंट रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। यहां पर 15 साल के बाद में आपको 20,000 रुपया महीना या फिर 2,40,000 रुपया पर एनम टैक्स फ्री रेंट मिलेगा गवर्नमेंट गारंटी के साथ में। आजकल गवर्नमेंट गारंटी कहीं नहीं मिलती है, इवन बैंकों में भी गारंटी नहीं मिलती है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कल डूब जाती है और आपके 10 लाख रुपए बैंक में है तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपए की गारंटी है, उससे ज्यादा कोई गारंटी नहीं है। यहां पर आपको सारा का सारा पैसा, सारा का सारा रेंट गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेकेंड, ये जो पैसा आता है ये आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, फिर आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप लोगों को पैसा दे सकते हो। यहां पर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, यहां पर पैसा लेने के लिए आपको किसी को भेजना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदार को कहीं ना कहीं पैसा लेने के लिए भेजोगे, पैसा आएगा, वो लोग आपको देंगे, आप ऐसा पैसा लोगे, उसके बाद में आप यूज करोगे, शायद वो लोग आपको पैसा न भी दे। तो यहां पर इनडायरेक्ट पेमेंट है। यहां पर क्योंकि आपको डायरेक्ट पेमेंट नहीं आती है, इसलिए यहां पर आपके पास पावर भी नहीं रहेगा। देखिए, पैसा नहीं है आपके पास, डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मांगना है, तो पावर भी नहीं है। और जहां पर पावर नहीं है वहां पर आपको रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना होगा आपके बुढ़ापे में। यहां पर आपके पास डायरेक्ट पैसा आ रहा है, डायरेक्ट पावर आ रहा है और डायरेक्ट रिस्पेक्ट आ रही है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा आएगा, उसके बाद में आप लोगों को मदद कर सकते हैं। वहां पर लोग पहले से ही मदद ले लेंगे और आपके हाथ में बचा कुचा पैसा देंगे। तो इन दोनों में ये फर्क है। यहां पर लिटिगेशन होने के बहुत बहुत चांसेस हैं। यहां पर नो लिटिगेशन हो सकता है। यहां पर कोई बंदे ने आपसे प्रॉपर्टी रेंट पे ली और उसके बाद में प्रॉपर्टी खाली नहीं करते हो, तो
आपको ही जाना पड़ेगा लिटिगेटर कोर्ट में, कोर्ट केसेस। यहां पर नो लिटिगेशन। यहां पर इस प्रॉपर्टी में मान लीजिए 15 साल आप ईएमआई भरने वाले और किसी कारण से आपकी जॉब छूट जाती है और आप आगे पैसा नहीं भर सकते हो, या आपके बिजनेस में कोई लॉस आता है आप पैसा नहीं भर सकते हो, तो यहां पर प्रॉपर्टी बैंक वाले सीज कर देंगे आपकी। बैंक वाले उसको ऑक्शन करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद में जो पैसा मिलेगा बैंक अपना लोन पूरा ले लेगी इंटरेस्ट के साथ में, और जो बचेगा वो पैसा आपको देगी। यहां पर मान लीजिए अगर आपने 5 या 7 या 8 साल पैसे भर दिए और आप आगे पैसा नहीं भर पा रहे हो, तो आपकी प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी। मान लो 1000 फुट की प्रॉपर्टी है तो ये 500 फुट की हो जाएगी, अगर आपने 7.5 साल पैसे भरे तो ये प्रॉपर्टी आपकी रिड्यूस हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली, और ये प्रॉपर्टी बैंक सीज कर देगी। ये प्रॉपर्टी आपकी बैंक सीज कर देगी। अभी ये प्रॉपर्टी आपको क्या लगता है, कई सालों के बाद में आप रेंट लेते रहोगे, जब ये प्रॉपर्टी बेचने का टाइम आएगा, या जब मान लीजिए कल को आपको कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी आपके बच्चों में डिवाइड हो जाएगी, है ना? तो ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर आपके 3 बच्चे हैं और अगर ये प्रॉपर्टी बेच करके उन तीनों को लेना है और एक बच्चा कैनेडा, एक लंदन और एक मुंबई में है, तो कौन मेहनत करेगा इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए? मेहनत जो भी करेगा, पैसा तो तीनों को मिलने वाला है, कौन मेहनत करेगा? और अल्टीमेटली इस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होने के चांसेस है। अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास 3 प्रॉपर्टी और आप अपने 3 बच्चों को दे दोगे तो भी डिस्प्यूट होगा, क्योंकि तब वो सोचेंगे कि वेस्ट ओपन किसको मिलेगा, ईस्ट ओपन किसको मिलेगा, नॉर्थ ओपन किसको मिलेगा, डिस्प्यूट तभी होना है। इस प्रॉपर्टी में देयर इज नो डिस्प्यूट, बिकॉज इन केस ऑफ डेथ जितना भी पैसा होगा वो इक्वल अमाउंट में नॉमिनी को चला जाएगा, यहां पर कोई डिस्प्यूट का चांस नहीं है। हम हमारे बाद में हमारे बच्चों में डिस्प्यूट झगड़ा करवा के लड़ा के नहीं जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी आज के 25, 30, 40, 50 साल के बाद में, जब हमारी डेथ होती है तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 80, 90, 1 करोड़, और क्या होगा? उससे ज्यादा नहीं होगा। आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ने वाले नहीं है। ऑलरेडी इंडिया में सभी प्रॉपर्टीज ओवरसाइज है। मुंबई में 5 लाख फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है। ऑल इंडिया का फिगर अलग है, मैं सिर्फ बंबई की फिगर की बात कर रहा हूं। और प्रॉपर्टी के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में डिजिटल इंडिया हो रहा है, मोदी सरकार आ गई है, ब्लैक मनी सब खत्म हो चुका है। आज लोगों के पास ब्लैक मनी नहीं है, पहले के जमाने में लोग ब्लैक मनी पार्क करने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते थे, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते थे। अब प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। हर सिटी डेवलप हो रही है, आज इंटरनेट आ गया है, वाईफाई आ गया है। कोई बंदा कोई किसी छोटे से गांव में रहता है तो उसको बॉम्बे में माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है, उसको पटना माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है, वो अपने गांव में अपना कंप्यूटर वाईफाई नेटवर्क लेकर के अमेरिका के लिए काम कर रहा है, गांव में रहने वाला बंदा। तो हर जगह का रेट इक्वली बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बॉम्बे किसी कोई एक सिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो अब आगे जाके प्राइस बढ़ने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है ये वर्चुअल प्रॉपर्टी क्या देगी? वर्चुअल प्रॉपर्टी विल गिव यू मोर देन 1 करोड़ इन केस ऑफ डेथ, मोर देन 1 करोड़। मतलब ये रेंट तो लाइफ टाइम मिलेगा ही, डेथ होने के बाद में 1 करोड़ से ज्यादा अपने फैमिली को मिलेगा। तो अगर आपको हमारी ये वर्चुअल प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज ही आप अपने LIC एजेंट को कॉल करें और उनसे पूछे कि क्या है ये वर्चुअल प्रॉपर्टी, वो आपको बताएंगे क्या है ये वर्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसे वीडियोस और भेजता रहूँ, आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।